Assalamu alaikum, my dear student. Today we are going with the function in PHP. So let me start with the function in PHP. What are the PHP functions? We should know what is functions. PHP function is a piece of code that can be reused many times. It can take input as argument list and return value. There are thousands of built-in functions. मतलब ये function है. Function in the sense आप एक तरह से आप इसको recall कर सकते हो बार बार आप अपने program में. Okay. और इसे use कर जैसे कि आप addition है. Addition में function डाला कि add function. Add function डाला. अब इसको हमको 10 बार use करना 10 परसेंटेज के लिए इसके लिए तो वो 10 बार रिपीटेशन जब होता है तो ये फंक्शन हम कभी भी कॉल कर सकते हैं. दैट इज इट इज आल्सो अ कॉल हैज. तो इस तरह से आपका ये है. इन पीएचपी वी कैन डिफाइन कंडीशनल फंक्शन, फंक्शन विद इन फंक्शन एंड रिकर्सिव फंक्शन आल्सो. कौन सा कंडीशनल फंक्शन आपको पता होगा, इफ एल्स वाला जो आपका है या लूपिंग फंक्शन विद इन फंक्शन. फंक्शन के अंदर फंक्शन कॉल करना हो तो आपको जैसे कि एक बार आपको बोला कि भाई इफ सो एंड सो कंडीशन, फिर उसके अंदर एक और कंडीशन डाला कि भाई ये तो वो फंक्शंस के अंदर फंक्शन आपको रिकर्सिव बार बार फंक्शंस को रिकॉल करना हो तो. सिंटैक्स फंक्शन, फंक्शन नेम, कोड टू बी एग्जीक्यूटेड. अरे ये आप अगर आप गौर से देखोगे तो ये आपके कंट्रोल स्टेटमेंट मैंने दिखाया. यहाँ पे फंक्शन क्या डाला भाई आपको ने इफ फंक्शनल नेम सो ऑन एंड कंडीशन डाल. तो इस तरह से भी आप वर्कआउट कर सकते हो. We can pass the information in PHP function through argument which is separated by curve. तो आप पास कर सकते हो जो arguments आप डालना चाहते हो तो बाकी से भाई विद द हेल्प ऑफ सेपरेट मतलब n numbers of arguments पास कर सकते हो आप. ठीक है, तो दिस इज PHP functions arguments क्या क्या है. PHP supports call by value. ठीक है, ये क्या है, यहाँ पर जब आपको वैल्यू पास ऑन करना कुछ ही फंक्शन में, जैसे कि मेरे को एडिशन ऐड फंक्शन दिया, अब ऐड फंक्शन में वैल्यू पास करना कि मुझे सम निकालना है तो मैं वैल्यू पास क्या करूँगी, कॉल बाय वैल्यू. और ये डिफॉल्ट फंक्शंस है. नेक्स्ट इज कॉल बाय रेफरेंस. ये स्वैपिंग ऑफ मोस्ट ऑफ द स्वैपिंग करने के लिए बहुत ज़्यादा कि रेफर ये वैल्यू से ये वैल्यू रेफर करना, इस वैल्यू को इस वैल्यू से ट्रांसफर करना है, तो इस तरह से तो टू पास द वैल्यू और हैज़ अ रेफरेंस रिफर करना, एक दूसरे को रिफर करना. यू नीड टू यूज़ एम्परसेंड एंड सिंबल. तो ये एम्परसेंड सिंबल यूज़ करना है बिफोर द आर्ग्यूमेंट नेम. ठीक है, नेक्स्ट इज डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट वैल्यू. व्हाइल कॉलिंग पीएचपी फंक्शंस इफ यू डोंट स्पेसिफाई एनी आर्ग्यूमेंट इट विल टेक डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट. अगर आप कोई आर्ग्यूमेंट जैसे कि मैंने डाल दिया फंक्शन इफ कंडीशन कुछ नहीं डाली, या मैंने डाल दिया ऐड और उसमें कुछ ये वैल्यूज नहीं डाले कि क्या करना है आपको, कोई आर्ग्यूमेंट डाला ही नहीं है तो वो अपने आप को डिफॉल्ट वैल्यू ले सकते हैं. ये आपको दिखाऊंगी विद द एग्जांपल. वेरिएबल लेंथ आर्ग्यूमेंट लिस्ट. पीएचपी सपोर्ट वेरिएबल लेंथ आर्ग्यूमेंट फंक्शन. इट मींस यू कैन पास 0, 1 ठीक है और एन नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट फंक्शंस. ठीक है, टू डू सो यू नीड टू यूज 3 एलिप्स डॉट बिफोर द आर्ग्यूमेंट. तो आपको 3 एलिप्स डॉट जो आप डालना पड़ेगा हर आर्ग्यूमेंट नेम के अंदर. दिस इज द वे वी आर, मतलब आपको समझ में दिस इज़ वन ऑफ द. तो आपको अब ये समझ में आया कि कॉल बाय वैल्यू आपको फंक्शंस में ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो आपको आना चाहिए फॉर एवरी वन, बिकॉज आपके पास सपोर्टिंग पीएचपी जो सपोर्ट करता है आर्ग्यूमेंट्स को, क्या फंक्शन आर्ग्यूमेंट वो क्या वैल्यू है, रेफरेंस है, डिफॉल्ट और आर्ग्यूमेंट वैल्यूज है एंड वेरिएबल लेंथ आर्ग्यूमेंट वैल्यूज है. और एक और फंक्शन है वो है स्ट्रिंग फंक्शन, जो मैं आपको लास्ट नेक्स्ट जो स्लाइड्स आएंगे उसमें बताऊंगा, मगर अभी इन्हीं के रिफर से आपको एग्जांपल समझाना चाह रही हूँ. नेक्स्ट कॉल बाय वैल्यू में आप देखेंगे पीएचपी डिक्लेयर. अब ये एक आपको देखो ये एक पूरी प्रोग्राम रन अप हो रही है, इस पर आपको समझाना है मुझे. ठीक है, नाउ व्हाट वी आर हैविंग, देखो फंक्शंस दिया मैंने. ठीक है, क्या दिया मैंने, वैल्यू दे रही ना फंक्शंस को, वैल्यू मैंने क्या इसका फंक्शंस का नाम लिखा भाई सम. सम किसका सम करना, मेरे को एक्स और वाई का इंटीजर एक्स एंड डॉलर सिंबल के साथ. अब मैं फंक्शन लिख लूँ डॉलर जेड, दैट इज द एडिशन, दैट इज द सम इक्वल टू डॉलर एक्स प्लस डॉलर वाई रिटर्न. अब रिटर्न क्या करेगा, वैल्यू रिटर्न द वैल्यू ऑफ द एडिशंस. तो ये रिटर्न करेगा इको 5 प्लस 10. अब देखो ये जो आपने फंक्शन आप पास किए इसको हमने यहाँ पे अब वैल्यू पे रिटर्न करना है सम 5, 10. अब 5 प्लस 10 होगा 15 इको 7 प्लस 13 सम 7 प्लस
7 एंड 13 इको 2 प्लस 4। अब इसका आपको अभी आउटपुट देखो, ये देखा आपको किस तरह से, इस तरह से आउटपुट आएगा। मतलब मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ एडिशन का काम कर रही हूँ, पर फंक्शन का नाम लिया है सम, उसके अंदर दो आर्ग्यूमेंट्स पास किया है, इंटीजर एक्स इंटीजर वाई, और उस एडिशन ये दो वैल्यूज के हमें जिस सम चाहिए तो डॉलर जेड पे उसका, और उसके रिटर्न किया है बाय वैल्यू, तो कॉल बाय वैल्यू का ये रेफरेंस है, दिस अंडरस्टैंड। इसके लिए यहाँ पे लिखा है रिटर्न जेड। ये आपका हो गया पीएचपी। अब आपको समझना है कि हाउ डिक्लेरेशन कैसा होता है, स्ट्रिक्ट होता है जिस तरह से आप डिक्लेयर करोगे। ये दिस इज़ वन ऑफ द एग्जाम्पल हाउ टू पास द वैल्यूज, और ये डिफॉल्ट है, ज़्यादातर ये डिफॉल्टिंग हम लोग लेते हैं, कॉल बाय वैल्यू इज ऑलवेज डिफॉल्ट फंक्शंस। ओके, नेक्स्ट व्हाट वी आर हैविंग, कॉल बाय रेफरेंस। कॉल बाय रेफरेंस में आप क्या करोगे, ये एक प्रोग्राम है आपका। अब इसमें आप देखना कि रिफर क्या करने वाला है, क्या कर रहा है। यहाँ पर हम देखेंगे ओरिजिनल वैल्यू को कैसे वो स्वैपिंग करेगा, कैसे है? फंक्शन एड 5, ठीक है, फंक्शन का लिखा है एड 5, डॉलर का अंदर उसमें जो आर्गुमेंट डाला है डॉलर नंबर, डॉलर नंबर प्लस इक्वल टू 5, ठीक है। फंक्शन एड 6, डॉलर नंबर प्लस इक्वल टू 6, डॉलर ओरिजिनल नंबर इक्वल टू 10, इको ओरिजिनल वैल्यू इज ओरिजिनल बी आर, एड 6 इको ओरिजिनल वैल्यू। अब आपको इसकी आउटपुट का हिसाब दिखा रही हूँ, यहाँ पर देखो आप, पहले मैंने क्या किया कॉल बाय रेफरेंस, मैंने रिफर क्या किया भाई कि फंक्शन क्या क्या 5 नंबर एडिंग 5, मतलब 5 को ऐड करना, ठीक है, और फंक्शन ऐड 6, दोनों को ऐड करूँ, मैंने डाला क्या है फंक्शन में कि ऐड 6, और उसके अंदर नम्स डाला, नम इज नथिंग बट नंबर। अब ओरिजिनल नंबर इक्वल टू 10, ओरिजिनल नंबर क्या है 10, और जब ये दोनों को आप ऐड करोगे रिफर करोगे तो ये क्या बन जाएगा 11, तो आउटपुट आपका क्या होगा 11। मतलब इको ओरिजिनल वाले जिस डॉलर ओरिजिनल नंबर एड 6, जब एड 6 होगा तो इक्वल ओरिजिनल वैल्यू ऑफ ओरिजिनल नाम, जब 5 प्लस, यहाँ पर ओरिजिनल तो अपना 10 है मगर हमने जब रिफर किया मुझे रिफरेंस में क्या दिखाना है 11, द आउटपुट विल बी योर 11। मतलब मैं एक तरह से रिफर, यहाँ ये कॉल बाय रेफरेंस आपको स्वैपिंग के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जब आपको नंबर्स या इंटीजर्स को ऊपर नीचे करना तो ये कॉल बाय रेफरेंस वैल्यू वी यूज। ओके, नेक्स्ट व्हाट वी आर हैविंग, डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट वैल्यूज, पीएचपी फंक्शन ऐड। अब देखो यहाँ पर डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट वैल्यूज में देखो, ये डिफॉल्ट यहाँ पर आप देखो फंक्शन ऐड एन इक्वल टू 10 ये डाल दिया, इससे बस कॉमा डॉलर एन इक्वल 3 एन प्लस 1 इक्वल एडिशन इन ऐड 20 ऐड 40। अब देखो यहाँ पे आपका आंसर्स क्या बोलेगा, एडिशन इज 20, ठीक है, मतलब 10 प्लस 10 क्या था 20। अब यहाँ पे ऐड, ये जो हमारा डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट है आपने गौर से देखो, डिफॉल्ट माई आर्ग्यूमेंट वैल्यू मैंने नंबर्स दिया एन 1 प्लस एन 2, अब एन 3 क्या होगा ये, पर जब मैं ऐड 20 डाल रही हूँ तो अब ये एडिशन क्या करेगा 10 प्लस 20 इक्वल टू 30, तो डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट वैल्यूज लेगा। अब नेक्स्ट वाला जब मैं आर्ग्यूमेंट देंगे तो यहाँ पे मैंने एडिशन दिया दो, यहाँ पे सिर्फ एक वैल्यू था तो वन ऑफ द नंबर से आर्ग्यूमेंट से लेके इसको ऐड करेगा। अब यहाँ पे आप एडिशन देख रहे हो 40 प्लस, ऑलरेडी ए और एन 1 और एन 2 दोनों डाल दिया मैंने, तो इसका एडिशन वैल्यू क्या है 80, ये डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट वैल्यूज इसको कहते हैं। मतलब आपका आर्ग्यूमेंट आप जो इसे पास करोगे उसी तरह से वैल्यूज, अगर आप एक वैल्यू आसान किया या नल वैल्यूज, यहाँ पर नल वैल्यूज है तो इसलिए डिफॉल्ट इसने 10 प्लस 10 को ही ले लिया। अब अगर यहाँ पर मैंने वैल्यू पास किया आर्ग्यूमेंट वैल्यूज 20, तो इसने क्या किया भाई एक कंडीशन लिया एन 1 और दूसरा कंडीशन लिया 20, तो उसको ऐड कर दिया। दिस इज हाउ द वे द वैल्यूज आर एडेड। समझ में आया आपको। नेक्स्ट व्हाट वी आर हैविंग, वेरिएबल लेंथ आर्ग्यूमेंट लिस्ट। वेरिएबल लेंथ आर्ग्यूमेंट्स लिस्ट में आपके अंदर क्या है, लेंथ क्या होता है, फाइंडिंग द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, फाइंडिंग द सो ऑन। अब देखो यहाँ पे देखो फंक्शन ऐड नंबर्स, ठीक है, डॉलर सम इक्वल टू 0 फॉर ईच नंबर, फॉर ईच का आपको बता दें लूपिंग के इसमें है, फॉर ईच नंबर हैज डॉलर एन, ठीक है, सम प्लस इक्वल टू डॉलर रिटर्न। अब आप इसकी आउटपुट देखिए 10 बता रहा है, कैसे बता रहा है, आप देखो इको 1 प्लस 2, 3 प्लस 4। अब वो क्या करने वाला है, एडिशन करना है ना इसको, तो मैंने इसको लेंथ का आर्ग्यूमेंट फाइंड, मैंने इतना लेंथ दे दिया इसको 1, 2, 3, 4। अब इसका टोटल उसने निकाला है सम, इसका रिटर्न वैल्यू, रिटर्न क्या करे भाई सम, तो ये क्या करेगा 1 प्लस 2, ओके 3, 3 प्लस 3 6, 6 प्लस 4
10, तो आउटपुट आपका क्या हुआ 10। ये आपका रिटर्निंग द लेंथ आर्गुमेंट लिस्ट है आपका, कितना लेंथ है आपका इसका, तो ये एडिशन कर रहा है पूरा आपका, आपने लेंथ दे दिया है, अब उसके हिसाब से उसने अपना एडिशंस कर रहा है, इज अ वेरिएबल लेंथ आर्गुमेंट लिस्ट। नाउ पीएचपी स्ट्रिंग फंक्शन एक फंक्शन है, स्ट्रिंग इज अ कलेक्ट ऑफ कैरेक्टर, स्ट्रिंग इज वन ऑफ द डेटा टाइप सपोर्टेड बाय पीएचपी, ठीक है। और ये इनबिल्ट स्ट्रिंग, ज़्यादातर इनबिल्ट स्ट्रिंग फंक्शंस मिलते हैं। स्ट्रिंग्स वेर कैन कंटेन अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर, स्ट्रिंग्स आर क्रिएटेड व्हेन, क्या यू डिक्लेयर वेरिएबल असाइन स्ट्रिंग कैरेक्टर टू इट, यू कैन डायरेक्टली यूज देम विद इको स्टेटमेंट। स्ट्रिंग्स आर लैंग्वेज कंस्ट्रक्ट, इट हेल्प्स कैप्चर वीडियो नोट्स। तो यहाँ पे कब कब यूज होगा, जब आप वेरिएबल असाइन करोगे, यू डिक्लेयर अ वेरिएबल असाइनिंग अ स्ट्रिंग कैरेक्टर, और यू कैन डायरेक्टली यूज देम विद द इको स्टेटमेंट। और स्ट्रिंग्स आर द लैंग्वेज कंस्ट्रक्ट, इट हेल्प्स टू कैप्चर वर्ड्स, तो वर्ड कैप्चर करने के लिए। तो यहाँ जब जब आप इसमें आप देखोगे तब ये स्ट्रिंग्स फंक्शंस यूज होंगे। नाउ व्हाट वी आर गोइंग विद, प्री डिफाइंड स्ट्रिंग फंक्शंस आपको दिखाने वाली हूँ। यहाँ है स्ट्रिंग, रिटर्न द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर कितना होगा, स्ट्रिंग वर्ड काउंट, ये काउंट करेगा नंबर ऑफ वर्ड्स इन द स्ट्रिंग, स्ट्रिंग रिजर्व, मतलब स्ट्रिंग को रिजर्विंग ऑफ द स्ट्रिंग। ये ज़्यादातर आप अगर आप गौर से देखोगे तो आपने रिवर्स स्ट्रिंग का ऑलरेडी एक प्रोग्राम जावास्क्रिप्ट में हमने किया हुआ है, जिसमें बता रहे हैं कि पैलिंड्रोम है कि नहीं, तो ये वाला फंक्शन यूज करेगा। स्ट्रिंग पॉज, सर्च फॉर स्पेसिफिक टेक्स्ट विद इन अ स्ट्रिंग एंड रिटर्न द कैरेक्टर पोजिशन ऑफ द स्ट्रिंग। रिप्लेस सम कैरेक्टर विद सम अदर कैरेक्टर इन अ स्ट्रिंग। सब स्ट्रिंग, रिटर्न्स अ पार्ट ऑफ अ स्ट्रिंग। स्ट्रिंग लोअर, कन्वर्ट अ स्ट्रिंग टू अ लोअर केस करेगा। सब स्ट्रिंग, काउंट द नंबर ऑफ टाइम्स और सब स्ट्रिंग ऑकर, कितने बार आपका सब स्ट्रिंग ऑकर हो रहा है तो वो काउंट करेगा। यू सी वर्ड्स, कन्वर्ट द फर्स्ट कैरेक्टर ऑफ ईच वर्ड इन अ स्ट्रिंग टू अपर केस, ठीक है। एंड ट्रिम, रिमूव्स वाइट स्पेस एंड अदर, तो ये ट्रिमिंग करना मतलब क्या था, ट्रिम का आपको हमेशा पता, व्हाट वी यूज फॉर ट्रिमिंग, जो अनवांटेड चीज़ें हैं वो सब ट्रिम अप करना, तो वाइट स्पेस जो कुछ भी है वी डिफाइन कैरेक्टर फ्रॉम बोथ द साइड ऑफ द स्ट्रिंग को निकालने के लिए हम ट्रिमिंग करेंगे, तो ये मेन चीज़ है। तो इसका एग्जाम्पल देखें, अब मैं यहाँ पे आपको दिखा रही हूँ पीएचपी स्ट्रिंग। टेक्स्ट बुक प्रोड्यूस बाई बाल भारती आर ऑल्सो पब्लिश इन पीडीएफ फॉर्म। इको स्ट्रिंग एसटीआर, डॉलर एसटीआर स्ट्रिंग का ये शॉर्ट फॉर्म ये असाइन हुआ जाता है इको। इको बीआर स्ट्रिंग लेंथ, अब यहाँ पे क्या हमने दिया, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, ये पूरा लेंथ कितना है वो देखना है, तो इसके लिए हमने क्या लिखा है, इको बीआर स्ट्रिंग लेंथ कॉलन डाल के डॉट स्ट्रिंग लेंथ एसटीआर। तो अब ये जो है स्ट्रिंग लेंथ है, तो अभी पहला तो खाली स्ट्रिंग फाइंड, पहला तो हम खाली डॉलर एसटीआर से इको कॉल किया था स्ट्रिंग को, तो ये आपका आउटपुट हुआ। दूसरा जब हम लेंथ फाइंड करें तो क्या दिखा रहा है, 67, मतलब टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स इनके एक पूरा स्ट्रिंग के अंदर कितना है, 67। नेक्स्ट है स्ट्रिंग वर्ड काउंट, अब वर्ड काउंट हो रहा है वर्ड, तो अब वर्ड कितना है एक, और उसी तरह से उसने वर्ड काउंट किया है एक, इस तरह से आपका वर्ड काउंट होगा, ठीक है। फिर रिवर्स द स्ट्रिंग, अब देखो ये जैसे कि आपका टेक्स्ट बुक है, तो जब उल्टा रिवर्स करेगा तो आपको रिवर्सिंग स्ट्रिंग का पता है, तो वो उल्टा कर देगा आपके सारे वर्ड्स को। तो जैसे कि टी, ये अब उल्टा जब रिवर्स होगा तो टी आगे, तो टाइम प्रॉफ आपको दिख रहा है, ये रिवर्सिंग है। नेक्स्ट है स्ट्रिंग इको, रिटर्न द पोजिशन ऑफ द स्ट्रिंग सर्च, अब ये क्या करेगा, स्ट्रिंग पोजिशन दिखाएगा ऑफ द स्ट्रिंग ये सर। अब मैंने क्या लिखा है कि अब मुझे सर्च करना है कि इसका पोजीशन बाल भाटी का किस इस पे है, तो मैंने स्ट्रिंग बार बार, अब पोजीशन दिखाएगा कि वो कौन से स्ट्रिंग पर सर्च हो रहा है, तो आप अगर देखोगे तो ये बोल रहा है 22 लाइन, ठीक है ना, अगर इसे काउंट करोगे तो आपको 20। इको बी आर इको रिप्लेस द स्ट्रिंग, अब हम क्या करें, स्ट्रिंग को रिप्लेस कर रहे, तो मतलब जो ये मेन जो हमने कॉल किया जो ओरिजिनल है उसको रिप्लेस करे दूसरे इससे, तो आपका क्या कुछ और नाम डाल दिया, भाल भारतीय स्टेट बोर्ड, अब क्या होगा ये टेक्स्ट बुक के बदले ये वाला प्रिंट होगा, दिस इज द आउटपुट ऑफ द, आपको सिंपल वे उसमें समझा दूँ फिर से। यहाँ पे पहले खाली स्ट्रिंग कॉल किया, यहाँ पे स्ट्रिंग लेंथ लिया, यहाँ से स्ट्रिंग वर्ड काउंट किया, रिवर्सिंग द स्ट्रिंग, रिटर्निंग द पोजिशन ऑफ द स्ट्रिंग, जिसकी कोई ऐसा
वर्ड को सर्च करना चाहते हो तो उसका कहाँ है पोजीशन वो दिखाना और रिप्लेसिंग द स्ट्रिंग, दिस इज द फंक्शन ऑफ द स्ट्रिंग. होप यू अंडरस्टैंड इट द इजी वे ऑफ हाउ यू आर यूजिंग द फंक्शंस इन द प्रोग्रामिंग ऑफ पीएचपी. तो बेटा प्लीज गो थ्रू विद दिस वीडियो, एनी डाउट्स इज रिलेटेड टू डू प्लीज कमेंट मी सो दैट आई कैन हेल्प यू फॉर फर्दर. एंड प्लीज प्लीज गो एंड सब्सक्राइब द चैनल, गिव द लाइक की बटन टू इट. जजाकअल्लाह खैर.